नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, बैशाख का महीना चल रहा है और बैशाख के महीने में सभी तिथियों का बहुत महत्व है, लेकिन उसमें एक तिथि ऐसी है जिसका खास स्थान है, खास महत्व है और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में और हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आज मैं आपको एक बहुत ही खास चीज़ें बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है कि वो खास चीज़ क्या है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि अक्षय तृतीया के दिन बहुत से लोग जो हैं वो नई नई चीज़ खरीदते हैं, महंगी चीज़ खरीदते हैं, कीमती चीज़ खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन कोई अच्छी चीज़ खरीदते हैं तो ये स्थायी बनी रहती है, क्योंकि इसका कभी क्षय नहीं होता। जो भी हम करते हैं वो अक्षुण रहती है, अक्षय रहती है, कभी इसकी समाप्ति नहीं होती है। इसलिए हम कोई नई नई चीज़ें या अच्छी या महंगी चीज़ खरीदते हैं। जैसे लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, घर रहने के लिए घर खरीदते हैं, फ्लैट प्लाट ये सभी चीज़ें, गाड़ी ये चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन मान लीजिए हम लोग उतने सक्षम नहीं हैं या भगवान ने हमें इतना काबिल नहीं बनाया कि हम ये सारी चीज़ खरीद सकते हैं, तो हम आज मैं आपको पांच चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि अगर आप खरीदते हो इस दिन, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन इन पाँचों चीज़ों को खरीदते हो तो भी आप उतना ही फल प्राप्त कर सकते हो जितना कि उन महंगी चीज़ों से खरीदने से प्राप्त होता है। तो वो चीज़ें क्या है और वो कैसे उसको उपयोग में लाया जाता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ें पारद शिवलिंग, पारद पत्थर से बना हुआ शिवलिंग अगर आप इस दिन खरीदते हैं और अपने घर में इसको स्थापित करते हैं तो भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा तो आप पे बनी ही रहेगी, साथ में कुबेर भगवान की कृपा भी आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहेगी। इसलिए इस दिन पारद शिवलिंग को लेकर आना यानी खरीद कर लाना और अपने घर में स्थापित करने का बहुत ही महत्व है और इंसान को करना चाहिए। दूसरा है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल ऐसा नारियल जिसकी एक ही आँख होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो नारियल होते हैं उस पर तीन गड्ढे होते हैं, तीन आँखें होती हैं, लेकिन एकाक्षी नारियल में एक ही आँख होती है, एक ही गड्ढा होता है। इस कारण से इस जो नारियल है, इस प्रकार के जो नारियल है उसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं और हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि एकाक्षी नारियल की उपस्थिति मात्र से ही हमारे घर में धन संपदा और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, हमेशा हमारे घर के भंडार जो है वो भरे रहते हैं। इस कारण से एकाक्षी नारियल इस दिन जरूर खरीदना चाहिए। तीसरा नंबर है दक्षिणावर्ती शंख। ऐसा शंख जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है यानी कि घुमा हुआ रहता है। आपने देखा होगा दो तरह के होते हैं, एक ऐसा होता है और एक इस टाइप का होता है। तो दो तरह के जो शंख होते हैं उसमें से जो दक्षिण दिशा में जो जिसका राउंड होता है उसको हम दक्षिणावर्ती शंख बोलते हैं। महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख जो है माँ लक्ष्मी का भाई है और भगवान विष्णु के जो है वो साले हैं। इस कारण से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा निरंतर हमेशा के लिए उन घरों में बनी रहती है या उन लोगों पर बनी रहती है जिनके घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है। चौथे नंबर पे है स्फटिक का कछुआ। ऐसा कछुआ जो स्फटिक से बना रहता है, इस प्रकार के कछुए को अगर इस दिन लाया जाता है, इस दिन अगर खरीदा जाता है और अपने घर में उसको स्थापित किया जाता है तो घर में स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी होती है वो सदा के लिए खत्म हो जाती है। मतलब किसी इंसान को की बीमारी जो है अगर चल रही है बहुत दिन से वो भी खत्म हो जाती है और कोई बीमार उस घर में नहीं रहता है, निरोगी बनाता है ये कछुआ। इस कारण से इस दिन इस कछुए को यानी कि इस स्फटिक के कछुए को जरूर खरीदना चाहिए। लास्ट है पांचवें नंबर पे 11 लक्ष्मी यंत्र। माता लक्ष्मी के यंत्र आते हैं, वो 11 यंत्र आप खरीद के लाइए और उनकी विधिवत पूजा करके उसको घर में अपने स्थापित कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तथा आप ही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।